खटाखट 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 कैसे मुसलमानों को ममता ने दे दिया खटाखट आरक्षण, कैसे ओबीसी कोटे में खटाखट शामिल हो गईं 117 मुस्लिम जातियां, कैसे पश्चिम बंगाल सरकार ने खटाखट खोल दी अपनी ही पोल। दोस्तों, राहुल गांधी के खटाखट 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 वाला जुमला बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मुस्लिम प्रेम पर बिल्कुल सटीक बैठता है। आपको बता दें कि बंगाल में ओबीसी कोटे में मुस्लिम जातियों को शामिल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से एफिडेविट मांगा था। अब जो एफिडेविट बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया उसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी सरकार ने कैसे ओबीसी की लिस्ट में मुस्लिम जातियों को शामिल करने में जल्दबाजी दिखाई और कैसे ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है उसमें आधे से ज्यादा कोटा खटाखट मुसलमानों को अलॉट कर दिया गया और कैसे हिंदुओं की ओबीसी जातियों का आरक्षण का लाभ खटाखट कम कर दिया गया। आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उसके मुताबिक कोटा मांगे जाने के 24 घंटे के भीतर ही कई मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दे दिया गया। आरक्षण देने के लिए 3 चरण की जांच होती है और सरकार ने उसी दिन सभी चरणों के सर्वे और जांच पूरी कर ली और इन मुस्लिम जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी दे दी। जबकि इस 3 चरण के सर्वे में महीनों लग जाते हैं। यही नहीं, कुछ मामलों में उस मुस्लिम जाति द्वारा आरक्षण मांगने से पहले ही उस जाति को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए उसका ब्यौरा तैयार कर लिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो पश्चिम बंगाल के पिछड़ा आयोग ने खोटा मुस्लिम समुदाय को एक ही दिन में ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आरक्षण देने की सिफारिश ममता सरकार को कर दी। नियम यह है कि जब कोई जाति आरक्षण के लिए आवेदन करती है तो इस संबंध में 2 सर्वे होते हैं और एक बार खुद पिछड़ा आयोग इस मांग पर सुनवाई करता है। लेकिन इस मामले में तीनों काम 24 घंटे के भीतर ही हो गए। खोटा के अलावा मुस्लिमों की जमादार गायन और भाटिया जाति को भी एक ही दिन के अंदर ही ओबीसी लिस्ट में शामिल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चुटौर मिस्त्री मुस्लिम समुदाय को सिर्फ 4 दिन में और 10 से अधिक मुस्लिम जातियों को 1 महीने से कम समय में ही ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया गया। आपको बता दें कि जब कोई जाति आरक्षण के लिए आवेदन देती है तो उसे अपनी आबादी, अपनी आबादी वाले क्षेत्र और अपनी जाति के इतिहास समेत सामाजिक आर्थिक स्थिति के संबंध में प्रमाण देने पड़ते हैं। इसके बाद पिछड़ा आयोग अपने सदस्यों या फिर राज्य के संस्कृति संस्थान के जरिए इनका एक सर्वे कराता है। इसके अलावा एक सर्वे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के जरिए भी होता है। यही नहीं, दोनों सर्वे पूरा होने के बाद पिछड़ा आयोग इस संबंध में सुनवाई करता है। फिर यदि किसी जाति को आरक्षण दिए जाने के विरोध में कोई दावा प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर भी सुनवाई होती है। इसके लिए पहले सार्वजनिक जानकारी देनी होती है। इसके बाद अगर आयोग को लगता है कि आवेदक जाति वास्तव में आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ी है और इसके प्रमाण हैं, तो उसे आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की जाती है। अब सवाल उठ रहे हैं कि ये सब काम आवेदन के 24 घंटे के अंदर ही कैसे करा लिए गए। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में दावा किया है कि इन सभी चरणों की प्रक्रिया का पालन किया गया है, भले ही आरक्षण 24 घंटे के भीतर ही क्यों ना मिला हो। इसके अलावा आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कई मुस्लिम जातियों के आवेदन दिए जाने से पहले ही उन्हें ओबीसी आरक्षण देने के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की काजी, कोटल, हजारी, लायक और खस का सर्वे जून 2015 में ही पूरा हो गया था, जबकि इन जातियों ने आरक्षण के लिए आवेदन इसके 1-2 साल बाद किया। ऐसे में जब उन्होंने आरक्षण मांगा तो ज्यादा समय नहीं लगा। आवेदन मिलने से पहले ही प्रक्रिया शुरू करने पर भी सवाल उठ रहा है। बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक और हैरान करने वाला तथ्य अब आपको बताते हैं। बंगाल में ओबीसी आरक्षण को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। कुल 17% आरक्षण में 10% आरक्षण ऐसी जातियों को मिला है जिसमें कुछ छोड़कर सब मुस्लिम वर्ग की जातियां हैं, जबकि बचे 7% में हिंदू मुस्लिम दोनों जातियां हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1994 से पहले बंगाल की ओबीसी लिस्ट में एक भी मुस्लिम जाति नहीं थी, लेकिन पहले वामपंथी सरकार और अब ममता सरकार की दरियादिली से आज बंगाल में मुसलमानों की 92% जातियां ओबीसी लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं।
आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल में पहली बार दिसंबर 1994 में मुस्लिमों की जुलाह यानी अंसारी मोमिन जाति को वामपंथी सरकार ने ओबीसी लिस्ट में शामिल किया था। 2010 आते आते तक वामपंथी सरकार ने 41 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर दिया और 108 ओबीसी जातियों में से 53 मुस्लिम हो गए। 2010 के बाद ममता ने जब बंगाल की कमान संभाली तो इस सिलसिले में काफी तेजी आ गई। आज बंगाल में 179 जातियां ओबीसी आरक्षण की लिस्ट में शामिल हैं। इनमें से 117 जातियां मुस्लिम हैं, यानी ओबीसी लिस्ट की करीब 65% जातियां मुस्लिम हैं। ममता सरकार के दौरान शामिल 77 ओबीसी जातियों का जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है उसमें भी 75 जातियां मुस्लिम हैं। साफ है कि वामपंथियों और फिर ममता के शासनकाल में हिंदुओं की जातियों को मिलने वाले ओबीसी आरक्षण का लाभ कम होता गया और मुस्लिम जातियों का लाभ बढ़ता गया। मुस्लिमों के प्रति ममता के इसी खटाखट कोटे वाले प्रेम पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। दोस्तों, बंगाल में मुस्लिम और हिंदू जातियों को मिलने वाले ओबीसी आरक्षण को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।